निसान की मैग्नाइट एक ऐसी प्रोडक्ट है जिस पे निसान ब्रांड अपनी ब्रांड रिवाइवल पे फोकस कर रही है, और ये कॉम्पैक्ट एसयूवी कुछ नहीं तो एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट में साबित हो सकती है। उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि निसान मैग्नाइट अनवील हो गई है। सारी डिटेल्स जो है जितनी भी पहले हम लोग बात करते थे वो कुछ कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो समराइज करके बात करते हैं आज इस वीडियो में। मैं अनिर्बान बैनर्जी टर्बो ड्राइव के इस नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज जाने से पहले लाइक का बटन जरूर से दबा देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग ऑटोमोबाइल कंटेंट्स और गाड़ियों के बारे में और नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करके रखना, क्योंकि उसके बिना आपको लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलने वाला है। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं सीधा वीडियो की, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, वो है यहाँ पे निसान मैग्नाइट की एक्सटीरियर के बारे में। एक्सटीरियर में यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइलिंग बिट्स जो है वो मिल जाते हैं। सामने जो है पतली सी एलईडी लाइट्स दी गई है, एलईडी हेडलैम्प्स और एल शेप्ड की डीआरएल जो है वो प्रोवाइड की गई है। अब प्रोडक्शन फेज में ऑफ कोर्स एलईडी हेडलैम्प्स जो है वो इतने पतले वाले नहीं रखे जाएंगे, थोड़ी सी बड़ी साइज की एलईडी हेडलैम्प्स जैसे 4 इको स्पोर्ट टाइप के में एक्स वेट बैक हेडलैम्प्स मिलते हैं, उस टाइप के हेडलैम्प्स आपको यहां पे मिलने वाले हैं। एल शेप की डीआरएल, हां ये डिजाइन एलिमेंट जो है ये रखी जाएगी। अब फॉग लैंप हाउसिंग अभी तक इस कॉन्सेप्ट फेज में हमें देखा नहीं गया है, और उम्मीद करते हैं फॉग लैंप हाउसिंग वहीं पे ही आपको मिल जाएगा। बड़ी सी चंकी साइज की एक ग्रिल भी प्रोवाइड की गई है जो माचो स्टांस को अपील करती है। साइड में चले तो बड़ी सी व्हील आर्चेस सामने पीछे टोटल ड्रामा को टेक ऑन करती है। स्लोपिंग रूफ लाइन, कॉन्ट्रास्ट रूफ, पिलर्स वगैरह कलर्स सब कुछ यहाँ पे है। पीछे भी चले तो पीछे भी स्वेप बैक टेल लैम्प्स, बंपर्स में क्रोम का इस्तेमाल, स्पोर्टीनेस को टेक ऑन करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स बेड्स यहाँ पे दी गई है, और नो डाउट ये कार काफी अच्छी दिखने में लगती है। और ऑफकोर्स थोड़ी बहुत लुक्स तो रेनॉ किगर के साथ शेयर करती है, जो व्हील आर्चेस वगैरह है तो वो सारे रेनॉ किगर के साथ शेयर करती है, जो कुछ एक दिन में लॉन्च होने वाली है फेस्टिव सीजन में, और दोनों प्लेटफॉर्म सेम ही है तो 19-20 का ही फर्क है इसमें। फिर बात करते हैं यहाँ पे इंटीरियर्स के बारे में, जिसके बारे में कंपनी ने अभी कोई भी इमेजेस जो है वो नहीं दिया है, लेकिन इंटीरियर्स काफी ज्यादा स्पेशियस होंगे क्योंकि रेनॉ के CMFA प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, और वो प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा स्पेस सेविंग मेजर्स के लिए जानी जाती है, और उस वजह से ये प्लेटफॉर्म जो है काफी अच्छी स्पेशियस और अच्छी इंटीरियर्स प्रोवाइड किए जाएगी। निसान ने ये भी कहा है कि ये इंटीरियर्स में बहुत अच्छी क्वालिटीज का भी इस्तेमाल करेंगे, तो देखते हैं कैसी रहती है इंटीरियर्स, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम फीचर्स के बारे में बात कर ले तो फीचर्स में बहुत कुछ रेनॉ ने कहा है। 8 इंच की टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जो कि वेन्यू वगैरह में है वो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी देंगे। अब देखते हैं कितनी कनेक्टेड कार फीचर्स इसमें प्रोवाइड की जाती है। और फिर यहाँ पे रहेगा कि 360 डिग्री कैमरा, वो भी फर्स्ट इन सेगमेंट रहेगा, और बहुत ही कमाल की फीचर वो प्रोवाइड की जाएगी। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, और फिर सीट हाइट एडजस्ट, ये सारी फीचर्स जो है ये बेसिक्स हैं ये रहेंगे। यहाँ पे इंजन ऑप्शंस की ओर फोकस करें तो इंजन ऑप्शंस में आपको एक 1 लीटर की नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो रेनॉ की क्विड ट्राइबर इनमें यूज होता है वो 1 लीटर की इंजन यहाँ पे भी आपको मिलेगी। और यहाँ पे नई रेनॉ की जो 1 लीटर की टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो रेनॉ किगर के साथ लॉन्च होगी वही सेम इंजन यहाँ पे भी शेयर होंगी। ये इंजन ऑप्शंस आपके पास है जो आप ले सकते हैं। रेनॉ की ट्राइबर की 1 लीटर की टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी जो आएगा वो इंजन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और वो काफी अच्छी पावरफुल इंजन जो है वो साबित होगी। हम प्राइसिंग की बात करें तो ये जो है 5.5 लाख रुपीज के नीचे से ही स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एक काफी अग्रेसिव प्राइसिंग रहेगी 1 लीटर वेरिएंट के लिए। और मैनुअल ट्रांसमिशन, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ यहाँ पे ऑफर होने वाली है। इवन CVT ट्रांसमिशन की एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 6 लाख रुपीज के नीचे एक्सपेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक और मैनुअल बहुत एग्रेसिवली प्राइस की जाएगी विद 1 लीटर वेरियंट एंड 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ। एक काफी अच्छी हेल्दी अमाउंट ऑफ पावर भी ये जनरेट करेगी, जो कि ये एक्सपेक्टेड है कि इसकी टॉप एंड वेरियंट जिसमें फुली लोडेड सब कुछ होगा वो मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा से थोड़ी सी लेस प्राइसिंग में भी मिल सकती है। तो ये जो है एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रेंज मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी। जनवरी 2021 में बाकी पिक्चर क्लियर हो जाएगा, और उसके पहले भी हो सकता है हम आपको लीक्ड इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।